गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेल्कम टू आवर यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ करिश्मा, फैकल्टी ऑफ इंग्लिश। हम चैप्टर 9 रीड कर रहे थे, क्लास 4th का। हमने चैप्टर रीड कर लिया था, मैंने आपको बताया था कि एक विलेज था, विलेज में 6 ब्लाइंड मैन थे। वो जन्म से ही अंधे थे और वो हर बात को बहुत क्यूरियसिटी से सुना करते थे, बहुत ही उत्सुकता से सुना करते थे, क्योंकि वो कुछ देख नहीं सकते थे इसलिए वो इमेजिन करते थे। ओके, एंड वो सबसे ज़्यादा किसके बारे में जानना चाहते थे? एलिफेंट के बारे में जानना चाहते थे, इसलिए एलिफेंट का जो भी टॉपिक होता था वह उसको बहुत ध्यान से सुनते थे और वो इमेजिन करते थे कि एलिफेंट ऐसा होता होगा, ऐसा होता होगा। फर्स्ट ब्लाइंड मैन कुछ कहता है कि एलिफेंट तो क्या है, क्या बताया था मैंने कि फर्स्ट क्या कहता है, एलिफेंट तो क्या है, बहुत पावरफुल जाइंट, एक राक्षस की तरह है। सेकंड क्या कहता है कि नहीं नहीं, एलिफेंट क्या है, बहुत ग्रेसफुल जेंटलमैन है, जो मतलब होता है ना स्मूथली चलने वाले। थर्ड बोलता है नहीं, मैंने तो सुना है कि एलिफेंट ऐसा है कि वो तो अपने सींग से किसी में भी क्या कर देता है, छेद कर देता है। इस तरह से उनका टॉपिक चलता रहता है। ठीक है, आगे देखते हैं। प्लीज सेड द फोर्थ ब्लाइंड मैन, यू आर ऑल मिस्टेकन, एन एलिफेंट नथिंग मोर देन ए लार्ज शॉर्ट ऑफ काउ। अब तीन जो ब्लाइंड मैन होते हैं, जो फर्स्ट सेकंड थर्ड, तीनों सबने अपना वो बता देते हैं कि एलिफेंट ऐसा होता है, एलिफेंट ऐसा होता है। तो फोर्थ वाला कहता है कि प्लीज़ यू आर ऑल मिस्टेकन, आप सब गलत बोल रहे हैं, आप सब क्या कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं, एलिफेंट कुछ नहीं है, वो तो एक काउ का बड़ा जो होता है ना, काउ का बड़ा सा रूप है। मतलब छोटी काउ, एक काउ छोटी होती है और एलिफेंट बड़ा होता है, बस इतना सा ही है, बाकी एलिफेंट कुछ नहीं है, फोर्थ वाला कहता है। ओके, आई एम श्योर दैट एन एलिफेंट इज समथिंग मैजिकल, सेड द फिफ्थ ब्लाइंड मैन। फोर्थ वाला कहता है कि नहीं नहीं, वो तो बस काउ का एक बड़ा रूप है, कि काउ छोटी होती है और वो काउ की तरह एक बड़ा प्राणी है। फिर फिफ्थ वाला बोलता है कि मुझे लगता है, मैं श्योर हूँ कि एलिफेंट कुछ तो जादुई जानवर है, कुछ जादुई है, कुछ मतलब कुछ जादुई जानवर जैसा है। आई डोंट बिलीव एलिफेंट एग्जिट एट ऑल, डिक्लेयर्ड द सिक्स्थ ब्लाइंड मैन। अब सिक्स्थ ब्लाइंड मैन कहता है कि मुझे तो विश्वास ही नहीं है कि एलिफेंट ऐसा कुछ बड़ा सा होता होगा, हम इमेजिन ही तो कर रहे हैं, हमने कभी देखा तो है ही नहीं, तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि वो कुछ बड़ा सा होता होगा, मुझे तो लगता ही नहीं है, मुझे तो विश्वास ही नहीं है कि एलिफेंट इतना कुछ बड़ा जैसा कुछ है। ओके, फाइनली द विलेजर्स ग्रू टायर्ड ऑफ ऑल द आर्ग्यूमेंट्स एंड अरेंज्ड फॉर द क्यूरियस मैन टू मीट एन एक्चुअल एलिफेंट। फाइनली द विलेजर्स, फाइनली क्या हुआ, विलेजर्स ग्रू टायर्ड, विलेजर्स थक गए, ग्रू टायर्ड यानी थक गए आर्ग्यूमेंट्स, बहस सुनते सुनते, क्योंकि वो जो सिक्स ब्लाइंड मैन थे वो हमेशा एलिफेंट पे क्या करते रहते थे, बहस करते रहते थे, बहसबाजी करते रहते थे, आर्ग्यूमेंट्स करते रहते थे। ठीक है, तो उससे क्या हो गए, वो थक गए और उन्होंने अरेंज किया, उन्होंने क्या किया, अरेंज किया क्यूरियस मैन टू मीट एन एक्चुअल एलिफेंट, की ये जो उत्सुकता से हाथी के बारे में जानने वाले जो ये है ना, ये लोग जो हाथी के बारे में इतनी उत्सुकता से जानना चाहते हैं, उनको एक्चुअल में किससे मिलवा देते हैं, एक एक्चुअल वाले एलिफेंट से मिलवा देते हैं, एक सच में ही एक एलिफेंट से मिलवा देते हैं। इसलिए क्या किया उन लोगों ने, ए यंग बॉय फॉर दियर विलेज गाइडेड द ब्लाइंड मैन टूवर्ड्स द एलिफेंट दैट वॉज इन दियर राजाज पैलेस। ए यंग बॉय, एक यंग बॉय आता है, यंग बॉय मतलब मिडिल एज का जो बॉय है वो आता है फ्रॉम दियर विलेज, उनके गांव में, और ब्लाइंड मैन को क्या करने के लिए, गाइड करने के लिए, बताने के लिए, गाइड तो करना पड़ेगा क्योंकि वो तो अंधे हैं, तो उन्हें गाइड तो करना पड़ेगा ना कि इधर चलिए इधर चलिए, गाइड करने के लिए आता है और उन्हें राजा के महल में एलिफेंट दिखाने के लिए ले जाता है वो गाइड करता करता। द स्मॉलेस्ट मैन पुट हिज हैंड ऑन द बॉयज शोल्डर, जो सब सिक्स ब्लाइंड मैन में से जो सबसे छोटा साइज का जो आदमी होता है, जो सबसे छोटा होता है ना लंबाई में, वो उसके शोल्डर पे, बॉय के शोल्डर, जो यंग बॉय था उसके शोल्डर पे क्या कर लेता है, अपना हैंड रख लेता है। द सेकेंड ब्लाइंड मैन पुट हिज हैंड ऑन हिज फ्रेंड शोल्डर, और जब फिर उससे थोड़ा सा लंबा होता है वो फर्स्ट वाले के उस पर हैंड रख लेता है। सो एंड अनटिल ऑल द सिक्स मैन वर रेडी टू वॉक सेफली बिहाइंड द बॉय हु लेड देम टू द एनिमल, और इसी तरह वो एक दूसरे के शोल्डर पे हैंड रख रख के और सेफली कहाँ पहुँच जाते हैं, एनिमल के पास पहुँच जाते हैं, जो बॉय है उसको जो लीड कर रहा था ना उसके पीछे पीछे वो पहुँच जाते हैं। द ब्लाइंड मैन रीच्ड द स्पॉट इन द पैलेस वेयर स्टूड द एलिफेंट, ब्लाइंड मैन पहुँच गए, कहाँ पहुँच गए, पैलेस,
ठीक है, स्टूड जहाँ पे हाथी को खड़ा किया गया था उस जगह पे पहुँच गए जहाँ पे हाथी को क्या किया गया था, खड़ा किया गया था। द ब्लाइंड मैन स्टेप्ड फॉरवर्ड टू टच द क्रिएचर। अब ब्लाइंड मैन ने स्टेप लिया, कदम उठाया, आगे बढ़े और टच किया उस प्राणी को, उस जो वो क्रिएचर देखना चाहते थे ना, जो उस एलिफेंट को देखना चाहते थे उसको टच किया। दैट हैड बीन द टॉपिक ऑफ मैनी आर्ग्यूमेंट्स, जो कई दिनों से उनका ये टॉपिक बना हुआ था, इस आर्ग्यूमेंट्स का टॉपिक बना हुआ था, जो बहसबाजी का जो टॉपिक बना हुआ था ना, एलिफेंट वहाँ तक पहुँच गए और उसको क्या करने लग गए, टच करने लग गए। देखिए आप पिक में देख सकते हैं, ये तो वो यंग बॉय है और ये देखो टच कर रहे हैं सारे उसको, कर रहे हैं ना, कोई उसको टैल को टच कर रहा है, ये सब टच कर रहे हैं उसको। द फर्स्ट ब्लाइंड मैन रीच्ड आउट, पहला जो अंधा आदमी था वो पहुंचा एंड टच द साइड ऑफ द हूज एनिमल, और उसने एनिमल को कहाँ से टच किया, साइड से टच किया, साइड जो उसका पेट वेट होता है ना, जैसे ये वाला जो पार्ट है इसको टच किया फर्स्ट ब्लाइंड मैन ने। एन एलिफेंट इज स्मूथ एंड सॉलिड लाइक ए वॉल, ही डिक्लेयर्ड, ही डिक्लेयर्ड यानी उसने घोषित किया, उसने बताया सबको कि एन एलिफेंट ये तो एक स्मूथ और सॉलिड जैसा है, जैसे कोई वॉल हो, क्या हो, वॉल यानी दीवार, तो जैसे इसकी तो जो स्किन है ना वो एकदम सॉलिड लग रही है, एकदम स्मूथ ही लग रही है, जैसे कि ये कोई क्या हो, वॉल हो, दीवार हो। ओके बच्चों, ये चैप्टर आपको समझ में आया जितना मैंने रीड करवाया। अब ये हम येलो वाला क्वेश्चन कर लेते हैं जो आपको नोटबुक में भी करने हैं। हु गाइडेड द ब्लाइंड मैन टू द राजाज पैलेस, किस कौन था वो गाइड करने वाला, देखिए ये रहा, ए यंग मैन, ये ए यंग बॉय फ्रॉम दियर विलेज, ठीक है, गाइडेड द ब्लाइंड मैन टूवर्ड्स एन एलिफेंट, यहाँ तक कर लेना आप, ए यंग बॉय, उनके गाँव का एक यंग लड़का, ठीक है। सेकंड है, हाउ डिड दे गो टू द राजाज पैलेस, कैसे गए वो राजा के पैलेस तक, कैसे गए थे, एक दूसरे के शोल्डर पे हैंड रख के गए थे ना, हाउ डिड दे गो टू द राजाज पैलेस, कैसे गए थे वो, हैंड शोल्डर पे हैंड रख के, हिज फ्रेंड शोल्डर पुट हिज हैंड, पुट हिज हैंड ऑन द बॉयज शोल्डर, ठीक है, तो पुट हिज हैंड ऑन द बॉयज शोल्डर, उसके बाद ऑल सिक्स मैन, आप ऐसे कर लेना इसका, पुट हिज हैंड ऑन द बॉयज शोल्डर एंड सो, फिर यहाँ से कर लेना सो एंड ऑल द, ऑल तक कर लेना, अनटिल ऑल। ओके बच्चों, थर्ड है, व्हाट डिड द फर्स्ट ब्लाइंड मैन टच, व्हाट डिड द फर्स्ट ब्लाइंड मैन टच, फर्स्ट ब्लाइंड मैन ने क्या टच किया था, क्या टच किया था, ये रहा द साइड हज एनिमल, यहाँ तक हो जाएगा द साइड हज एनिमल तक हो जाएगा। ओके एंड लास्ट है, व्हाट डिड द, व्हाट डिड ही थिंक इट वॉज, और उसने क्या सोचा वो कैसा था, एन एलिफेंट, लास्ट वाले का, फोर्थ वाले का, यहाँ से हो जाएगा, यहाँ से और यहाँ तक, ठीक है। आप देख सकते हैं फर्स्ट वाले का ये रहा ए यंग बॉय, सेकंड वाले का पुट से लेके पहले शोल्डर तक, फिर एंड से सो ऑन अनटिल, यहाँ तक हो जाएगा। थर्ड वाले का आप कर लेना, यहाँ से कर लेना द साइड हज एनिमल, और लास्ट हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक। फोर क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको बता दिए हैं, आप कर लेना अपनी नोटबुक में। ओके बच्चों, आगे का चैप्टर हम नेक्स्ट क्लास में रीड करेंगे। थैंक यू।